पायलट आगे जाती है, एस्कॉर्ट पीछे चलती है और डिपार्टमेंट अलॉट करने के बाद फाइल उनके पास आ रही है। फाइल वो साइन कर रहे हैं, आदेश कर रहे हैं, अधिकारियों को आदेश कर रहे हैं। चल रहा था तो मैंने एक बात देखी जिस पर मैं व्यवस्था चाहूंगा कि जो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं वो प्रश्न नहीं देते, बिकॉज दे हैव दे आर एंजॉइंग द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। पायलट आगे जाती है, एस्कॉर्ट पीछे चलती है। और यहाँ इस माननीय सदन में मैंने देखा जब वो प्रश्न मूल प्रश्न नहीं कर सकते हैं तो सप्लीमेंट्री प्रश्न करने का भी मेरे हिसाब से उनको अख्तियार नहीं होना चाहिए, क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट मीन्स कि वो, क्योंकि आपने उनको दर्जा दिया है, आपने डिपार्टमेंट उनको अलॉट किए हैं और डिपार्टमेंट अलॉट करने के बाद फाइल उनके पास आ रही है, फाइल वो साइन कर रहे हैं, आदेश कर रहे हैं, अधिकारियों को आदेश कर रहे हैं। और उसके बाद इस माननीय सदस्य में जो माननीय सदन में जो व्यवस्था है, व्यवस्था यही है कि जो सदस्य हैं, जो सिर्फ सदस्य हैं और ऐसे पद पर नहीं हैं, वही प्रश्न पूछ सकते हैं, वही सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं इस पर व्यवस्था चाहूंगा कि ये व्यवहारिक है क्या, ये इस तरह से करना उचित है क्या। मैं यही चाहूंगा कि जब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एक पद पर हैं, दायित्व पर हैं और उस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, डिपार्टमेंट अलॉटेड हैं, डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, फाइल पर ऑर्डर कर रहे हैं और उसके बाद हम विधानसभा के अंदर अपनी ही सरकार के बारे में प्रश्न करें तो ये व्यवस्था के खिलाफ।